प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लेनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा। लोग समोसवा खियाई दाए सैया, चौमिनिया मंगाई दाए सैया, हमके फिल्म निरहुआ वाली दिखाई दाए सैया। सबसे पहले तो मैं समर सिंह आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। और हम लोग इस समय दमन में शूट कर रहे हैं, फिल्म धूम मचा देंगे। बहुत अच्छा शूट चल रहा है, सभी लोगों का सपोर्ट प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, जो कि प्रोड्यूसर हमारे संजय पांडे भैया जी और सुबीर सिन्हा जी डायरेक्टर हैं, कनक यादव जी लीड रोल में हैं, आनंद मोहन जी हैं और तमाम बड़े बड़े आर्टिस्ट, अच्छे आर्टिस्ट सब लोग काम कर रहे हैं इसमें। बालेश्वर सिंह जी भी बहुत, सबका सपोर्ट मिल रहा है, काम हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और बस आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, धूम मचा देंगे को आगे हम लोग करते रहेंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से यानी कनक यादव की तरफ से आप सभी को प्यार और मेरा नमस्कार। जैसे कि अभी समर जी ने बताया कि हम लोग यहाँ पे फिल्म धूम मचा देंगे की शूटिंग कर रहे हैं और शूटिंग में बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे मैं जो गाने अभी हम लोग शूट कर रहे थे तो वो हम लोगों को इतना उसमें मज़ा आ रहा था, इतना इन्जॉयमेंट था कि आप लोगों के जब वो गाने सुनेंगे तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। और इसमें जैसे मेरा किरदार जो है, थोड़ा बहुत मैं हिंट दूंगी ताकि बाकी सारी फिल्म जो है आप थिएटर पे जाके देखें, इसलिए पूरी चीज़ नहीं बताऊंगी मैं। बट डेफिनेटली आपको एक नया अंदाज़ भोजपुरी का मिलेगा, एक नई लाइनअप मिलेगी, एक यूथ बेस्ड स्टोरी है। इसमें कोई ऐसा नहीं है माँ बाप भाई बहन इस टाइप का कोई ऐसा करेक्टर नहीं है। बट डेफिनेटली यू गेट अ गुड मूवी लाइक अ हिंदी टाइप्स। तो गाने सुन के बहुत मज़ा आएगा, आप लोगों को बहुत लेविजली शूट हो रहे हैं। और जैसे इसमें हमारे आनंद मोहन जी हैं, बालेश्वर सिंह हैं और भी सारे कलाकार हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं संजय पांडे जी भी बहुत दिल से काम कर रहे हैं और जो रिक्वायरमेंट होती है वो सब पूरा करते हैं। तो अच्छा लगता है जब आर्टिस्ट की सारी चीज़ें पूरी होती हैं और काम करने में भी मज़ा आता है, तो शूट करने में भी मज़ा आ रहा है। समर जी का क्या है कि जब भी खाली बैठे होते हैं तो सबसे अच्छा तो इनके अंदर मैंने देखा कॉमिक बहुत अच्छा एक सेंस है, किसी को भी अगर रो भी रहा होगा तो उसको हंसाने का जो हुनर है ये मैंने इस सेट में इनका देखा। मुझे नहीं मालूम था कि इतने सीरियस दिखते हैं ये, पर ये हंसा भी सकते हैं, वो वाला हुनर है। और गाने तो आप सब सुनते ही हैं, यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ व्यूअरशिप है, गाने तो गाते ही रहते हैं, सिंगर हैं तो एक गाने के हिसाब से भी इन्जॉयमेंट होता रहता है। विकास पांडे जी जैसे अभी नए हैं पर उनका जो लुक है एक अच्छा लुक है, और धीरे धीरे जो कहते हैं ना कि हम नए जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं तो वो इंडस्ट्री में उनको और ज़्यादा रुतबा मिलता है और ज़्यादा उनको हार्डवर्क करना पड़ता है। तो विकास के लिए तो मैं यही कहूँगी कि वो और ज़्यादा हार्डवर्क करें, इस फिल्म में बहुत अच्छा उनको रोल मिला है, अच्छे से परफॉर्म भी कर रहे हैं और मेरी तरफ से दुआएं हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में करें। सबसे पहले तो विकास हमारे भाई हैं छोटे और अच्छा काम भी कर रहे हैं, आगे भी अच्छा करेंगे मेरी दुआ है, और हम लोग मिल के काम कर रहे हैं इस धूम मचा देंगे में। तो धूम तो मचेगा, बहुत जल्द आप लोगों के बीच में होगी ये फिल्म, क्योंकि बहुत मेहनत हो रही है इस फिल्म के लिए। जब से हम लोग शूटिंग यहाँ स्टार्ट किए हैं तब से लेके अभी तक जब जो भी काम हुआ है बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छे से सब लोग काम भी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, गाने भी शूट हुए हैं, बहुत अच्छे गाने शूट हुए हैं। जैसे विकास की बात कर रहे थे, विकास के अंदर मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत लगन है किसी चीज़ को सीखने के लिए। अगर हम टोक भी देते तो उनको ये नहीं लगता कि हमें क्यों टोक रहे हैं, वो एक्सेप्टेंस जो होती है अगर किसी आर्टिस्ट के अंदर होता है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये कमी है हम इम्प्रूव करते हैं उस चीज़ को, तो वो बहुत कम लोगों में होती है। और ये विकास जी के अंदर बहुत अच्छा हुनर है कि वो एक्सेप्ट करते हैं स्माइली और जॉली नेचर से, उसको फिर से करने की कोशिश करते हैं। मेरी बेस्ट विशेज हैं कि वो आगे इसी तरह बढ़ते रहें, इस फिल्म में उनको बहुत सारी ख्याति मिले और इसके बाद उनके जो कदम कभी ना रुकें और वो अपनी ऊँचाइयाँ छुएँ। इनका भी एक अलग किरदार है, बार बार ये टिकटें कटवाना चाहती हैं लेकिन देखिए अभी तक टिकट कटा नहीं है इनका। अब आप आपको फिल्म देख के पता चलेगा कि कहाँ की टिकट कटवाती हूँ। और ये फिल्म अलग कॉन्सेप्ट पे है, जैसे अवैध कारोबार हो रहा है उसको रोकने के लिए, तो
उस ऑफिसर की पोस्टिंग होती है और वो अपना जो भी आगे आप लोग फिल्म में देखिएगा खुद पता चलेगा। सब लोग अपने अपने किरदार में काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। एक गाना हमने गाया था, समोसा खिया द सैया, इन्हीं के ऊपर फिट बैठेगा। समोसा खियाई दाए सैया, चौमिनिया मंगाई दाए सैया, अहम के फिल्म नी रहुआ वाली दिखाई दाए सैया। लगभग 3-4 साल ये गाने हो गए हमारे आए हुए, बहुत ज़बरदस्त हिट गाना था ये। उस टाइम हम लोग फिल्म में नहीं थे, एल्बम में थे, गाने गा रहे थे, तो हमने ये सॉन्ग गाया था, बहुत पॉपुलर सॉन्ग हुआ था। और भी सॉन्ग हमने गाए थे, तू तब बम्बई में बड़ा राजा जानी जवानी मोर जा रता, सब बहुत प्यार मिला लोगों का। गन्ना का रस हुआ, रतिया कहाँ बितौला ना हुआ, तमाम गाने थे। मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि जैसे आपको पता है समर जी और मैं इसमें पति पत्नी बने हैं, तो पति पत्नी के बीच की जो नोक झोंक होती है पर्दे में, जो ट्रू नोक झोंक है, वो इसमें आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। और वो चटपटी चीज़ें जो है आप बहुत मज़े से इसको देखेंगे, तो वो आपको थिएटर पे जाके ही देखनी पड़ेगी जब फिल्म रिलीज़ होगी, कि भाई पति पत्नी के बीच की क्या नोक झोंक में हम दिखाने वाले हैं इसमें। और जैसे इस फिल्म की शूटिंग वैसे ही बहुत अच्छी हो रही है, हम सब लोग दिल से काम कर रहे हैं यहाँ पे, पूरी जो टेक्निकल टीम है और जो सारे यूनिट के लोग हैं बहुत खुश हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। सिर्फ आप लोगों की दुआएं हैं कि आप लोग, हम लोग, जैसे आपने मुझे अपनी पहली फिल्म में रब्बा इश्नोवे में प्यार दिया था और आपको मेरा किरदार भी बहुत पसंद आया था राधा का, तो ये मेरी दूसरी फिल्म है आप लोगों के लिए है, तो मैं चाहती हूँ आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर पे जाके देखें। मोबाइल पे नहीं, थिएटर में जाएंगे तभी हम नेक्स्ट भी काम कर पाते हैं, तो आपसे अपील है प्लीज़ आप फिल्म को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। हेलो नमस्ते, मैं विकास पांडे आप सभी का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस मूवी में आकर के। मैं पहले तो स्टार्टिंग में बहुत डर गया था कि मैं मूवी कैसे करूँगा, ये करूँगा, फिर मुझे इधर आके मतलब सब अच्छा लगा, सबका प्यार मिला, बहुत मज़ा आ रहा है मूवी करके। जी मैं इसमें समर भाई का दोस्त बनाऊँ, गाँव से आता हूँ, भाई जैसा हूँ उसमें, और मैं इसमें बहुत चुलबुला चला मतलब शरारती रहता हूँ, मस्ती करता हूँ, और मैं करने कुछ जाता हूँ वो कुछ जाता है मुझसे, तो समर भाई से हमेशा डांट पड़ती है मुझे। इसमें हमारी भाभी जी का रोल कर रही है, कनक जी, तो मज़ा आ रहा है खूब, एक फैमिली जैसा फीलिंग आती है शूटिंग में और अच्छा लगता है। और मेरा पूरा सपोर्ट रहता है मेरे देवर को, इनकी मैं खिंचाई करती रहती हूँ कि नहीं भाई ये बेकार आदमी है, मेरे लिए सपोर्ट पूरा धन्यवाद पूरा रहता है मेरे देवर को इस फिल्म में। तो वो जो देवर भाभी का जो प्यार होता है कि जो भी हो साथ तो देवर का ही देना होता है, तो वो इस फिल्म में आपको देखने प्यार करते हैं, बट वो डांटते हैं मुझे ज़्यादा कि तुम ये करने जाते हो, ये करके आते हो, तो जैसे घर में होता है बड़े भाई डांटते हैं वैसे ही। जी मूवी जो आ रही है अब धूम मचा रहे, बहुत अच्छी मूवी है और एक स्टाइलिश मूवी है, और हिंदी और भोजपुरी दोनों मिक्स करके इसमें है, आपको दोनों के मज़े मिलेंगे इसमें। और आप देखोगे तो फिर कहोगे कि भोजपुरी मूवी कम और बॉलीवुड मूवी ज़्यादा लग रही है। इसमें अच्छे से मतलब हम लोग पूरा अपना मन से काम कर रहे हैं और अच्छे से इसको दिखाएंगे। बहुत अच्छा रिस्पांस रह रहा है, विकास अच्छा काम भी कर रहे हैं साथ में, और मिलजुल के सभी लोग पूरा यूनिट मिल के काम कर रहा है और बहुत अच्छा भी हो रहा है। और फिल्म कम्प्लीट होने के बाद फिर थिएटर में जाएगी तो आप लोगों का प्यार मिलेगा, तब हम लोग की मेहनत सफल होगी। Planet Bhojpuri.